E ci andremo chi? अरे पंडित ताऊ ना बता दे के स्टेटमेंट निकली है। आहा, क्या कुंडली है लड़के की? अरे बावड़ी पूछ, यो मारी कुंडली है, किसी लड़के की ना है। ओहो, तभी तभी ना अभी इब जल्दी से तुम्हारी कुंडली देख के बता दे कि इसमें शादी का योग है कि ना, वरना थारी कुंडली बनाते हुए ना मन्ने टेम ना लगेगा। योग? अरे इसमें तो 10-20 शादियों के योग हैं। के? मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त योग है, मगर मगर के मगर एक समस्या है। क्या समस्या? के समस्या ये है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो, जिससे विवाह करना चाहती हो, उस लड़के को हर हालत में किसी शादीशुदा औरत से बचाना होगा, वरना वरना ना वरना की तो तू टेंशन ही कोई ना ले। इब तो शादी शुदा के मैं किसी कुंवारी लड़की ने भी मक्खन सिंह के आसपास फटकने को ही ना दूंगी। अरे फिर तो तुम्हें तुम्हारी शादी से कोई रोक ही नहीं सकता। गुड। अच्छा तो मैं चलूं? ऊपर जाएगा। नमस्कार। कोई है ना? कोई ना होगा तो तू के गोली मार देगी ना। बोल, सवेरे सवेरे क्यों आ गई मुंह उठा के? मुझे FIR लिखवानी है। हेलो 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 यार, ये कमबख्त। हेलो 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 हेलो। अरे तुमने होल्ड कर, मोबाइल नेटवर्क नहीं हो के हेलो हेलो मचा रखी है थाने में। अरे होल्ड कर यार, आप बिना हमसे खामखा बदतमीजी से बात करती रहती। मैं चुटाला। अरे भाई, हमारे फोन का नेटवर्क हमें कैबिन में नहीं मिलता, तो हमें फोन का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते इधर उधर जाना पड़ता है, हमें आपका नेटवर्क मिल गया। हाउ टू डू इंट्रोड्यूस माईसेल्फ, हनुमान प्रसाद पांडे, नाइस टू सेवर फॉर यू, हाउ आर यू? बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। अरे होल्ड कर यार, वो मैं यहाँ से जा रही थी और कहीं से अचानक एक चोर आया और मेरा पर्स छीन कर भाग गया। वो तो किसी तरह मैंने अपना मंगलसूत्र बचा। आपने ये नहीं बताया, तो शादीशुदा है। ओहो, अब तो और भी अच्छा। देखिए आप घबराइए मत, शादीशुदा। हमारे कैब में 20 लेडीज पर्सेस पड़े, आप आइए। हम अरे आपको नहीं दूंगा, आप आइए ना। चलिए फिर अरे फटाकड़ी नहीं, जो थारी घटना है ना ना, वो हमारे एरिया में कोई ना घटी तो इब तू निकल यहाँ से। अरे वो तो यहाँ ही हुई, पुलिस स्टेशन के बाहर। अरे तू ऐसे कोई ना मानेगी ना, तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। बाय बाय। ओके बाय। अरे तुम होल्ड तो करो यार। अरे इसमें इसका कोई दोस्त ना हो रहा ना, साले की तो कुंडली खराब से। अरे यो प्रॉपर्टी ने तोड़ देता है, इसने फिक्स कर ले जल्दी। बस हो गया मैडम, स्टार्ट कर देता हूँ। गुड। यार गुलगुले, हमारी मैडम जी कहाँ गायब हो गई है? पता ले, ये रही डोले शोले बना रही है। मैडम बस अब जाने दीजिए, मैडम जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जान दूं मैं उस मक्खन सिंह ने? मक्खन सिंह नहीं मैडम, मैं तो ये डंबल की बात कर रहा था। अरे वैसे ही मैं उस पंडित जी की बात से घड़ी परेशान हो रखी हूँ। ऊपर से तू मारा सेंटिमेंट डिस्टर्ब करने और आ जा ना। तू यहाँ आया किस लिए? न चौकी न चौक कमना के वहाँ अगर कोई शादीशुदा औरत आ गई तो? अरे नहीं नहीं मैडम, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कोकी को चौकी की चौकीदारी के लिए खड़ा करके आए ना हम। औरत तो नहीं मगर एक आदमी आया है, साथ में एक केस भी लाया है। नमस्ते मैडम। तो कौन है भाई? जी मेरा नाम चंपक चटर्जी है। तो क्या करूँ, नाचू मैं? मैडम मैं जब भी अपने घर वापस जाता हूँ, हमेशा मेरे बेडरूम में एक आदमी होता है। मेरे बेडरूम में एक आदमी मेरे बेड पर बैठता है, आराम से मेरी बीबी को ऑर्डर देता है, उससे चाय बनवाता है, आराम से चाय पीता है। और जब भी मैं उस आदमी से पूछता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि तुम्हारे बेडरूम में मेरा मोबाइल नेटवर्क अच्छा आता है। लेकिन वो महापुरुष है कौन? मेरा पड़ोसी है। अरे यो जो शादीशुदा मामला है ना, यो तुम्हारा पीछा ही कोई ना छोड़ रहा। अरे तू सुन दुखी आत्मा ना, तू निकल कल आइयो, कल करूंगी मैं थारा केस सॉल्व। और बालको कल इसके पड़ोसी ने ठीक 11 बजे धक्के ले आओ। जी मैडम। अरे गोपी गुलगुले मर गए क्या सब के सब? नहीं, गोपी गुलगुले मर नहीं गए, वो चंपक चटर्जी के पड़ोसी को लाने गए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम मैडम आपने अभी तक मेरे पड़ोसी को नहीं बुलाया, वो रात भर मेरे बेडरूम में चाय पीता रहा है। प्लीज आप लोग कुछ करिए। आए हैं ले आए हैं, ले आए हैं यार, क्यों पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? मैडम जी ये रहा चंपक चटर्जी का पड़ोसी। नाम के? बबलू पड़ोसी। काम क्या करता है तू? जी मैं एक वकील हूँ। अरे तो वकील है तो रोज रात को इसके बेडरूम में क्या करने जाता है? ये बात खुल के बता ना। तू घना उतावला हो रहा है, तुमने खोल दूं मैं? कर। तू बोल। अब क्या बताऊं मैडम, जो मेरा मोबाइल है ना उसका नेटवर्क इसके बेडरूम में ही पकड़ता है।
सुना मिस चुड़ाला आपने, आप भी हम पे कल खाम खाम बरस गई। अब भाई मोबाइल का तो नेटवर्क है, कहीं भी आ जा सकता है ना। निकले यहाँ से, तू निकले यहाँ से। जा रहे हैं, जा रहे हैं हम। मैडम देखिए, अगर आप लोग अपना मसला हल कर दे रहे हैं तो मेरा मसला कब हल होगा? यह आदमी मेरे बेडरूम में सारी रात चाय पीता रहा है, प्लीज कुछ करिए। रात भर चाय पीता रहता है, मतलब काफी चाय पी लेता होगा? हाँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चाय पी लेता है। ओह, लेकिन फिर आप उसके साथ में भाभी जी बिस्किट भी ऑफर करती है कि नहीं? ऑफर करती है क्या? हाँ करती है ना, और रात भर मैं चाय इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे रात भर जागना पड़ता है ना। लेकिन बिस्किट कौन सा वाला होता है, वो क्रीम वाला कि सादा वाला? एक्चुअली क्या है कि जेली वाले बिस्किट बहुत पसंद करता है। क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो जो क्रीम वाला होता है ना, उसका टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद है। देखो क्या है कि अगर आप सादा वाला बिस्किट खाते तो फैट के लिए ज्यादा अच्छा होता। अरे इन्होंने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया ये। अरे बाबड़ी पूछ ना, तू खा खा के बस ढोल सा ही होता जाइयो। कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है, आ रहा है मैडम। मेरे दिमाग में आपका एक रात बिताओ चाय पी जाओ आइडिया आ रहा है। यहाँ आइए, नहीं मतलब आप वहीं रहिए, मैं अपने होंठ आपकी ओर लेकर आता हूँ। अरे तू सुन भाई, थारे घर में किचन है। अरे घर में क्या, जेब में किचन? अरे बाबड़ी पूछ ना, किचन ना किचन, किचन जिसमें खाना पकाते हैं जी, है ना? ना तो सिंपल सी बात हो रही है, किचन ने बेडरूम में शिफ्ट कर ले, बेडरूम ने किचन में शिफ्ट कर ले, तो फिर यो आदमी किचन में आके बात करेगा, उसमें तो तन्ने कोई प्रॉब्लम ना है। मैडम ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बबलू अब तुम किचन में आया करो। क्या यार तुम फिर आ गए? मैडम जी ये फिर आ गया जी। अरे ये पुलिस थाना है कि कोई गार्डन हो रहा है ना, जो तू टहलता हुआ आ जाता है बार बार यहीं को? मैडम गार्डन तो मेरा बेडरूम बन गया है, जहाँ ये हमेशा चला आता है। ओहो ईब क्यों हो गया? मैडम आपके कहने पे मैंने अपने किचन में बेडरूम बना लिया, जब रात को घर लौटा तो ये महाराज वहाँ भी मौजूद थे। ना क्यों बे, ना तू ईब किचन में क्या करने घुस गया था? यार ये बात जरा खुल के बताना। बेटा गुलगुले तू यहाँ खुल के मत बताना। तू तू बोल, अब मैं क्या बताऊं मैडम, मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क है ना, वो इनके किचन में मिलने लगा है। नहीं ये तो किचन है जिसे बेडरूम बनाया है, अब इनका नेटवर्क वहां पे आया है। अरे वाह बड़ी समझदार है आप। अब मैडम क्या हुआ कि कल रात को तूफान आया था ना, तो मोबाइल का टावर घूम गया होगा, इसलिए नेटवर्क मुझे इनकी किचन में मिलने लगा है। मैडम जी मैं तो कहता हूँ इसको अंदर डाल देते हैं और डंडे से इसका नेटवर्क कैच करवाते हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं तो कहता हूँ मोबाइल कंपनी के आदमी को बुलाते हैं ना और उससे पूछताछ करते हैं। डिशवॉश। ओ सुन भाई तू तू निकल यहाँ से, दो दिन बाद में आइयो। वैसे नॉर्मली तो ये तुम्हारे घर आते तो चाय वाय पीते हैं, कुछ खाना वाना भी ऑफर करते हो कि नहीं? क्यों बीवी ऑफर करती है खाना वाना? हाँ कल ही किया था ना, नरगिस के कोफ्ते। अच्छा नरगिस के कोफ्ते मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है, और कुछ भी बनाती है तुम्हारी बीवी? और मटन और चिकन बिरयानी और बहुत सारी चीजें, कभी घर आइए तो मैं आपको खिलाता हूँ। घर पे कहाँ पर आएंगे, तुम यहाँ पर रोज आते, कुछ लेकर आया करो ना यहाँ पर। कैसे यार तुमने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। अरे तू तू निकल यहाँ से निकल। और तू सुन भाई, हाँ ना यो बात हो सके कि जी टावर घूम जाए, आंधी आ जाए और जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाए? हाँ 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 बदल जाता है। ओहो वेरी गुड, चलिए तू भी निकल यहाँ से। मन ने एक नोटी आइडिया आ गया है।